बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे तमाम देखने वाले दोस्तों को हमारी डिलीशियस कुजिंग कुकिंग चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको बहुत ही ख़ास स्पेशल तरीके से कुंडी की टिक्किया बनाने का तरीका बताएंगे। नाजरीन जी हाँ, अब कुंडा आने वाला है और आप भी अब अपने घर में कुंडी की टिक्किया बनाएं, खुद से अपने हाथों से कुंडी की टिक्किया बनाएं और कुंडे करें अपने घर में। और ऐसा खस्ता कुंडी की टिक्किया आपने अभी तक कभी नहीं बनाया होगा जो आज हम आपको बनाने का तरीका बताएंगे। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं कुंडी की टिक्किया तो हर जगह होगी वाह वाह। आज हम आपको कुंडी की टिक्किया के तमाम राज आपके सामने खोल के रख देंगे, तो इसलिए इसको देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली सब अच्छी अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। सबसे पहले नाजिन हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है, यानी फ्लार, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लार, ये 2 कप मैदा है। यहाँ पर हम इसके अंदर जो सामान ऐड करेंगे, अब आप देखते रहें क्या क्या हम चीज़ ऐड करते हैं। सबसे पहले ग्रीन कार्डिमन 1/2 टीस्पून यानी छोटी इलायची का पाउडर था, ये ऐड किया। और इसके बाद हम इसके अंदर सैलमोन डालेंगे 1/2 कप, यानी सूजी है, इसको इंग्लिश में सैमोलन बोलते हैं। अब सूजी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कोकोनट पाउडर 5 टैब यानी 5 खाए चमचे भर के खोपरे का और ऐड करेंगे। पाउडर था पिसा हुआ, ये चला गया। इसके बाद हम घी डाल लें, क्योंकि घी हम इसलिए डाल रहे हैं खस्ता करने के लिए, सो घी ऐड कर रहे हैं 5 से 6 खाए चमचे भर के। घी चला गया, घी डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से हम हाथों की मदद से करेंगे मिक्स। और नाजिर जितना अच्छा मिक्स होगा ये उतना अच्छा खस्तापन इसमें आएगा। और यहाँ पे नाजिन अलग से हमने दूध ले लिया है, मिल्क है हमारे पास ये 1/2 कप। इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे, शुगर 1 कप पे करीब शुगर है, जितना आपको पसंद है आप ले सकते हैं। हमने इसके अंदर 1 कप शुगर ऐड कर दिया। शुगर ऐड करने के बाद इसको चमची मदद से अच्छी तरह करेंगे मिक्स। नाजिन हमने मैदे में तमाम चीज़ जो ऐड करी थी इसको अच्छी तरह मिक्स करा। अब इसको नाजिन फुलाने के लिए और भी अच्छा बनाने के लिए बेकिंग पाउडर चला गया 1/2 टीस्पून, इसको भी अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और नाजिन हम आपको बताते चले कि हमने दूध में जो चीनी मिक्स करी थी डाल के इसको अब इससे गुनाई करेंगे, इससे गुनाई कर लेंगे अच्छी तरीके से। और आप नाजिन देख सकते हैं हमने आटे को गुन लिया है। अब गुनने के बाद इससे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और कुंडी की टिक्किया की शेप दे लेंगे। इसको बेलेंगे, पहले पेड़ा से गोल करेंगे, गोल करने के बाद फिर इसको नाजिन हम काटेंगे। काटने के बाद फिर इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे और बॉल बनाने के बाद कुंडी की टिक्किया जिस शक्ल में बनी होती है हम उस टाइप का उसको बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने किसी भी ढक्कन या कटर ले लें, आप गोल या ढक्कन भी ले सकते हैं, इसकी मदद से बेलने के बाद कटिंग कर लिया गोल गोल। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि कुंडी टिक्किया गोल ही होती है इसलिए हम भी गोल काट रहे हैं, आप भी गोली काटिएगा। और हमने नाजिन अलग से अब यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में नीम मीडियम गर्म ऑयल कर लिया है। इसकी हम कुंडी की टिक्किया को करेंगे फ्राई। आप देख रहे हैं ये कुंडी की टिक्किया हो रही है फ्राई। अभी हमने नाजिन कुंडी टिक्किया को उस वक्त तक करना है फ्राई जब तक इसका खूबसूरत सा गोल्डन गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आता। नाजिन देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, ये रेडी है। इसको निकालेंगे अलग से प्लेट के ऊपर, जब प्लेट पर निकाल लेंगे फिर इसको सर्व करके आपको दिखाएंगे तमाम टिक्के को कि कितने अच्छा लगते हैं देखने में। तो नाजिन आज हमने आपको बहुत ही ख़ास स्पेशल तरीके से खस्ता खस्ता कुंडी की टिक्किया बनाकर दिखाया, अब आपने भी सीख लिया होगा। अब आप भी नाजिन घर में करें कुंडा और अपने हाथों से कुंडी की टिक्किया बना के सबको कर दें हैरान, क्योंकि आज हमने नाजिन कुंडी की टिक्किया के बनाने के तमाम राज आपके सामने खोल के रख दिए। तो इसलिए उसको पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीगा। और नाजिन जब भी आप हमारी इस रेसिपी को बनाएं तो हमें भी बताएगा कि कमेंट्स करके कि हमारी इस रेसिपी को कितने लोगों ने किया पसंद। नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।